सो मेरे प्यारे भाई लोग, आप सबके लिए एक नया वीडियो फ्रेश कंटेंट लेके आ गया हूँ। जल्दी से ले लो, आई मीन देख लो देख लो देख लो, मतलब जल्दी से पूरा देख लो, मतलब नहीं आराम से देखो, जल्दी से नहीं आराम से देखो। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका भाई आपके लिए लेकर आया हूँ फोटोशॉप में, जिसके थ्रू आप लोग किसी फोटो का जो बैकग्राउंड होता है उसको आप लोग रिमूव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फोटो सेलेक्ट किया है, जो कि यहाँ पे मैं चिलगोजे जैसा दिख रहा हूँ, आप देख ही रहे हो, तो इसका मैं बैकग्राउंड जो यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है इसको मैं रिमूव करके आपको दिखाने वाला हूँ। हालांकि यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ग्रीन है तो काफ़ी नॉर्मली तरीके से हट जाएगा, बट कोई भी आप लोग बैकग्राउंड इसी तरीके से हटा सकते हो जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग अब सोच रहे हो कि यार काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट आते हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी भी फोटो का बैकग्राउंड तो चुटकियों में रिमूव कर लेते हैं, बट उसमें क्या होता है मेरे भाई प्यारे मित्र, कि आप लोग कोई भी फोटो का बैकग्राउंड उसमें रिमूव करते हो वेबसाइट या फिर ऐप के थ्रू, तो आपके फोटो का क्वालिटी एकदम लो हो जाता है। आप लोग ट्राई करना 1 MB का फोटो लेकर, या फिर जितना भी आपका मतलब MB का फोटो है, आप उसको एक बार चेक लेना फोटो, मतलब बैकग्राउंड हटाने से पहले 1-2 MB का होगा, उसके बाद जैसे ही अपने आपके फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, आप उस फोटो की प्रॉपर्टी में जाकर चेक करोगे तो आपका फोटो 100 KB 200 KB हो जाएगा, मतलब कि उसका कंप्रेस कर दिया जाता है, जो कि आपकी फोटो की क्वालिटी एकदम लो कर देता है। तो आप लोग फोटोशॉप के थ्रू आप लोग रिमूव कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड को, तो वीडियो को मिस मत करना, लास्ट तक देखना। तो यहाँ पे ये मैंने फोटो ले लिया है, जैसा कि आप लोग मुझे पहचान रहे हो, मैं चिलगोजा जैसा दिख रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि मैं हूँ भी। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे कंट्रोल और अपने क्या बोलते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा, इसको मैं जूम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बाहुबली बनने की कोशिश कर रहा था शायद, जिससे आप सब देख रहे हो। तो यहाँ पे एक हमें दिखेगा पेन टाइप का पेन टूल, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। अब क्या होगा, क्या हम और जूम करते हैं, क्योंकि जब भी आप लोग फोटो का मतलब बैकग्राउंड रिमूव करो तो फोटो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और साथ में आप लोग जूम करके एकदम आसानी से नहीं, मतलब आराम से करना है, मतलब मेरे कहने का मतलब कि धीरे धीरे करना, क्योंकि अगर ये मतलब इसका जो कर्सर है थोड़ा सा मतलब आपको दिक्कत होगा चलाने में, क्योंकि अगर आप लोग अगर नए हैं, आप लोग पहली बार यूज कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत होता है, बट अगर आप लोग कई बार यूज कर चुके हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने ले लिया ये क्या बोलते हैं पेन टूल, अब यहाँ से मैं क्लिक करूँ, नीचे से स्टार्ट करूँगा, अब स्टार्ट करके देखो, क्लिक करते करते यहाँ पे आपको जाना होता है, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया, जैसे यहाँ पे मैंने अंदर घुस गया, ठीक है, तब मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं डिलीट बटन क्लिक करूँ, यहाँ से अंदर का जो एक पोर्शन है वो चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर से मैं आगे स्टार्ट कर सकता हूँ, देख सकते हो। तो इस टाइप से आप लोग मतलब स्टार्टिंग सब कुछ कर सकते हो। अब देखो क्या करना है आपको, सिंपल सा यहाँ से मतलब एकदम बारीकी से देखना है यहाँ से, जैसे कि थोड़ा सा जब भी आप लोग फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने जाना तो फोटो की जो मतलब क्लियरिटी है उसके थोड़े से मतलब बैकग्राउंड के थोड़े से अंदर से ही आप लोग मतलब ये पेन टूल का यूज करें, देख सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़े से अंदर से कर रहा हूँ, बाद में बताऊँगा इसका रीज़न क्या है, ठीक है। आप लोग देखो इस तरीके से इसको रिमूव करना है, आई मीन मतलब यहाँ से आपको पूरा पहले सबसे पहले सेलेक्ट करना, बहुत मतलब आराम से करना, ये नहीं जल्दी आप करोगे ना तो यहाँ से आपका बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग जब भी कोई भी फोटो प्रोफेशनल फोटो यूज मतलब आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो, आई मीन क्या बोलते हैं उसको मतलब एडिट करना चाहते हो, तो आप लोग बहुत आराम से पूरा उसका मतलब बैकग्राउंड से रिमूव करना, आई मीन मतलब सेलेक्ट करना है यहाँ से पेन टूल के थ्रू। पूरा सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ आगे। तो सबसे पहले मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। आप लोग अब सोच रहे हो कि यार इस टाइप से हम सेलेक्ट करके वीडियो का आई मीन फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, बट मैं आपको कुछ ऐसे अभी टिप्स देने वाला हूँ जो कि बहुत ही कमाल का ट्रिक होने वाला है, जो कि आप लोग देखने के बाद बोलोगे नहीं सच में मैंने कुछ आपको बताया, जो कि आपको आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। तो मैं सबसे पहले इस फोटो का पूरा मतलब पूरा फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको धीरे धीरे सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने पूरा फोटो सेलेक्ट कर लिया है, आप देखो क्या करना है, सिंपल सा यहाँ से जब भी आप जहाँ से मतलब अपना एंकर पॉइंट आई मीन जहाँ से आप पेन टूल स्टार्ट किए रहते हो मेरे भाई, वहाँ से आपको लास्ट में जाकर वहीं मिलाना होता है, तभी आपका जो पूरा सिलेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से मैं यहाँ पे ले जाता हूँ अपना क्या बोलते हैं इसको यार पेन टूल को, यहाँ पे मैं देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, अब यहाँ से मैं इसी एंकर पर क्लिक कर दूँगा तो मेरा जो फोटो है आई मीन पूरा यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, मतलब पूरा सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ आगे, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से जूम आउट हो गया है, अब मैं क्या करूँगा आपको मैं आगे दिखाता हूँ। नॉर्मली देखो यहाँ पे ये फोटो मेरा हो चुका है, अब देखो यहाँ पे पूरा एंकर पॉइंट है मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ से आप लोग एक चीज़ चेक कर सकते हो कि यहाँ से आपने कहाँ कहाँ मतलब ज़्यादा अंदर या फिर ज़्यादा बाहर कर दिया, जैसे यहाँ पे पूरा मैं फोटो यहाँ से चेक कर रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ से मैंने कहीं मतलब पेन टूल गलत तो नहीं चला दिया। जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा और ऊपर जाए ना, तो यहाँ से मैं फिर से पेन टूल पे जाऊँगा। पेन टूल पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, एड एंकर पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ से मैं जैसे यहाँ पे एंकर पॉइंट में क्लिक करूँ, ठीक है, यहाँ मैंने किया,
अब देखो ये थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा, यहाँ से ऊपर हो जाएगा। अब मुझे कहीं और करना है, इसको भी थोड़ा सा और ऊपर करना है, तो यहाँ से मैं क्लिक करके इसको ऊपर कर सकता हूँ, ठीक है। इस टाइप से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप कहाँ कर जाना है आपको, यहाँ पे आपको जाना है पेन टूल पे। पेन टूल पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एड एंकर पॉइंट, ठीक है। अगर आपको कोई भी एंकर पॉइंट डिलीट करना है, यहाँ पे मुझे ये जो एंकर पॉइंट है इसको मुझे डिलीट करना है, ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है। तो यहाँ से मैं पेन टूल पे जाऊँगा, पेन टूल पे जाने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे डिलीट एंकर पॉइंट, यहाँ मैं जाकर इसको क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं देखो यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। आप देखना यहाँ से जो ब्लू डॉट दिख रहा है यहाँ से डिलीट हो जाएगा, देखो यहाँ से डिलीट हो गया। अब मुझे फिर से ऐड करना है, तो मैं फिर से मैं जाऊँगा ऐड एंकर पॉइंट, यहाँ से मैं ऐड करके अपने फोटो को जैसे चाहूँ उस टाइप से यहाँ से मतलब अप डाउन इसको कर सकता हूँ, जैसे आप देख सकते हो इस टाइप से, ठीक है। अब ये सब चीज़ करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे जूम आउट में कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ से यहाँ पूरा सीताराम ने बना दिया। अब देखो अगर आप चाहो तो कंट्रोल इंटर दबा कर भी पूरा सेलेक्शन कर सकते हो, मतलब फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। यहाँ मैंने यहाँ पे कंट्रोल इंटर दबा किया तो यहाँ पे इस टाइप से ये फोटो का मतलब पूरा बैकग्राउंड हट गया। अब देखो बट ये ज़्यादा बेटर नहीं होता, बेटर किस टाइप से होता है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली यहाँ से ये सेलेक्ट करने के बाद अपने माउस से आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको कुछ भी नहीं करना अपने माउस में, बस आपको एक काम करना है, बस यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद मेक सेलेक्शन, इसका भी रीजन है आपको बताऊँ, मेक सेलेक्शन पे क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पे फिदर आपको दिख रहा है, फिदर आपको लगभग 5 6 मैं डाल लेता हूँ, लगभग 6, ठीक है। यहाँ से मैंने फिदर 6 डाल दिया, मैंने ओके कर दिया। अभी आप लोग वीडियो पे बने रहो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैं जाता हूँ फाइल में, फाइल में से मैं कोई एक फोटो सेलेक्ट करता हूँ जो जिस पे मैं इस बैकग्राउंड को मतलब जिसके थ्रू मैं बैकग्राउंड में जिस बैकग्राउंड पे इस फोटो को मैं लगा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फोटो यहाँ से मैं लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, सिलेक्शन टूल, यहाँ से मैं इसको लेके जाता हूँ यहाँ से। सबसे पहले मतलब यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, मतलब यहाँ मैंने उसको कट किया था तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोटो आ गया है। अब मैं उस फोटो को जो भी मैंने जिसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था उसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने फोटो पेस्ट कर दिया है। अब फोटो का मैं यहाँ पे फिदर दिखाता हूँ आपको, फिदर क्या होता है मैं ये भी आपको बताता हूँ। मैं फोटो को थोड़ा सा जूम करता हूँ, अब देखो इसके बैकग्राउंड में आपको कैसा दिख रहा है, मतलब बैकग्राउंड में पूरा एकदम जैसे ये जो इसका फोटो का मतलब पूरा लेयर है पूरा बैकग्राउंड में मर्ज टाइप से मतलब मिला हुआ दिख रहा है, मतलब कि अच्छे से लग रहा है कि नहीं फोटो इसी पर खींचा हुआ, जैसे आप देख सकते हो इस टाइप से आपको लग रहा है ना, जैसे कि यहाँ फोटो इसी पर खींचा हुआ, ठीक है। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ, ठीक है, मतलब इसको हाइड कर देता हूँ। उसके बाद मैं फिर से जाता हूँ उसी फोटो पर इस पर, ठीक है। अब देखो इसको मैं फिर से पूरा सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं कंट्रोल और इंटर नहीं करूँगा, सिंपली यहाँ से मैं क्या करूँगा यहाँ पे फिदर नहीं लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिदर इस बार नहीं लेता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं मेक सेलेक्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे फिदर नहीं लेता हूँ, मैं फिदर जीरो करके यहाँ से मैं कंट्रोल इंटर दबा देता हूँ। अब देखो मैं यहीं फोटो लेके जाऊँगा अब वहाँ पर, ठीक है, और आप देखना है कि फोटो की क्वालिटी क्या होती है। यहाँ से मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं यहीं पर पेस्ट करता हूँ उसको। अब देखो ये रहा फोटो जो कि बिना फिदर का मैंने किया है। अब देखो इसका बैकग्राउंड आप लोग देखो मर्ज आपको दिख रहा है साइड साइड, देखो यहाँ पे आपको मर्ज दिख रहा है बैकग्राउंड में, मतलब ये फोटो का आपको मर्ज दिख रहा है, बिल्कुल से नहीं दिख रहा होगा। मैं इसको करता हूँ, इसको मैं ऑफ करता हूँ, अब मैं इस फोटो को आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो इसका बैकग्राउंड यहाँ पे आपको मर्ज दिख रहा होगा, आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे मर्ज दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे देखो साइड साइड दिख रहा है ना। अब वही फोटो अब मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो इसका बैकग्राउंड मर्ज आपको नहीं दिख रहा होगा, अब इसका बैकग्राउंड आपको इसमें मर्ज दिख रहा होगा। तो यही खास बात होती है मर्ज और अनमर्ज में, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग किसी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक तरीके से नॉर्मली ट्रिक के थ्रू मतलब बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को देखो लाइक करना, अगर ना लगाओ तो डिसलाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट और टेक वीडियो में।